शिमला जिले के रामपुर इलाके में कल रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निजी वाहन में ईवीएम को लेकर काफी हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर पोलिंग पार्टी को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान कराने वाली टीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि नियमों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईवीएम को सरकारी वाहनों से मतगणना केंद्र तक ले जाया जाता है। इस मामले को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, ईवीएम मशीन केवल सरकारी गाड़ी जिसमें इलेक्शन ड्यूटी लिखा होता है में ले जा सकते हैं। रामपुर बुशहर में निजी गाड़ियों में ईवीएम ले जाई जा रही हैं। इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को कर दी गई है। इसमें ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस विधायक नंदलाल ने आरोप लगाया है कि ईवीएम को एक निजी कार में ले जाया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका पीछा किया, साथ ही पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईवीएम वीवीपैट मशीनों को छेड़छाड़ की मंशा से निजी वाहन में ले जाया जा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।